नहीं दिलाना चाहिए था। मेरा घर कहता है यामी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, और जिन नेक के साथ साथी बैठी हूँ उन लोगों ने सहारा दिया। माशी मम्मा कहाँ है? वो तो बीना जी के घर गई है। मौशी, मम्मा कब तक घर आएंगी? पता नहीं, कुछ बता के नहीं गई। मैंने कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो मेरे अतीत बचपन से जुड़ा हो। पता नहीं कहां चले गए। अरे मेम साहब, आप इतनी जल्दी आ गई? हाँ, वो फोटो एल्बम ले जानी थी दिखाने के लिए, पता नहीं कहाँ रखती मैंने, शायद ऊपर बेडरूम में ही होगी। मैं देख। हाँ शारदा, क्या हुआ? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों? कल रात मेरे जेठ गुजर गए। ओ मामा, यामिनी तुम यहां क्या कर रही हो? माँ, मुझे ये बैग चाहिए था। बैग? क्यों? वो मम्मा, हमारे ऑफिस वाले कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे। पिकनिक? हाँ, बंजर हवेली। वापस कब आओगे? यही कुछ 2-3 दिन में। ठीक है, मैं बिना आंटी के घर जा रही हूँ, तुम खाना खा लेना। जी मम्मा।
करीना, करीना करीना, नानी कहाँ चली गई? अरे राम, लाइट को क्या हो गया? लगता कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देख कर आ रहा हूँ। कौन है? कौन है? कौन है उधर? कौन है? राहुल, तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ। आप कौन? तुम्हारे लिए एक न्योता लाया। शो में आने का आमंत्रण? एक जोड़े को इसमें आना पड़ेगा, जो एक हफ्ता इस हवेली में रह पाएगा उसे इनाम में हवेली मिलेगी। इस हवेली की कीमत 10 करोड़ है और इसमें आत्माएं रहती हैं। करिया तुम? क्या बात है राहुल, तुम इतने घबराए हुए क्यों? कहाँ थी तुम? मैं तो यहीं थी, पर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आमंत्रण है। आमंत्रण? हाँ, न्योता, एक रियलिटी शो का। आजकल टीवी चैनल्स पे बहुत रियलिटी शोज आ रहे हैं ना, ये भी वैसा ही है। इसका मतलब तुम टीवी पे आने वाले हो? सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी आने वाली। इसमें पति पत्नी को बुलाया। सच्ची? फिर तो बहुत मजा आएगा। वैसे नाम क्या है? 10 करोड़ की हवेली। 10 करोड़? हाँ, हमें एक हफ्ता ऐसी हवेली में रहना होगा जहाँ पर आत्माएं रहती हैं। ये देखो, इसमें लिखा है जो जोड़ा एक हफ्ते वहां पर रह पाएगा उसके नाम वहां भी है। Really? डाले, ये आत्माएं वात्माएं सब बकवास बातें हैं। हम ये हवेली जीत सकते हैं? जीत सकते हैं? Of course, जरूर जीतेंगे। अच्छा, तो ये है वो हवेली। फोटो में ये इतनी डरावनी है, न जाने असलियत में कैसी होगी। और वैसे भी दुर्जन ने कहा है ना
कि कुछ दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी उस हवेली में। जरूर किसी आत्मा ने ही मारा होगा बेचारी को। जो लड़की मरी है वो उस हवेली की देखरेख करने वाले की लड़की है। हवेली का कोई भी मालिक अब जिंदा नहीं है, बस एक बूढ़ा आदमी जो उस हवेली की देखभाल करता है। लगता है ये लोग भी शायद वहीं जा रहे हैं। रियलिटी शो में सालों के अब हाय, आई एम राहुल। आप लोग वहीं पर जा रहे हैं ना रियलिटी शो में? नहीं, वो एक्चुअली हम लोग शूटिंग करने आए हैं, रियलिटी शो की शूटिंग। एक्चुअली हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे हैं इस रियलिटी शो पर। हाँ प्लीज, लेकिन ये बात किसी को पता ना रहे, ठीक है? अरे हाँ, मैं आप लोगों को अपनी वाइफ से मिलाना तो भूल ही गया। करीना, कम या? हाँ राहुल, ये है मेरी वाइफ। हाय। हाय, मैं हूँ यामिनी, ये हर्ष और ये राघव। हवेली मिलने वाली है इनाम में? हाँ, हम जीतने वाले। मेरा नाम राजेश है और ये मेरी वाइफ राधिका। हाय, आप लोग देख लेना, हवेली तो हम ही जीतेंगे। जीतेंगे तभी ना जब वहाँ पहुँचेंगे। एक घंटे से वेट कर रहे हैं, रात के 12 बज चुके हैं, अभी तक हमें कोई लेने भी नहीं आया। राइट, लेकिन आप लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? नाव यहाँ पड़ी है, आप लोग इसी में बैठ के क्यों नहीं चले जाते? नहीं नहीं, हम लोगों को यही इंतजार करने के लिए कहा गया है, कोई हमें लेने आने वाला है। क्या इन लोगों को पता है कि हवेली में आत्माएं हैं? पता नहीं, शायद। लगता है कोई आ रहा है। सब लोग? हाँ, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं चलने के लिए। तुम तीनों कौन हो? हम भी इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने हैं। न्योता मिला था तुम्हें? हाँ मिला। अच्छी तरह सोच लिया ना? हाँ, हम लोग आएंगे। तो ठीक है, तुम सब लोग नाव में जाके बैठ जाओ। पर ये नाव हमें खुद चलानी होगी। सबसे सब कुछ खुद ही करना होगा तुम सब लोगों को। कितनी दूर है हवेली? ज्यादा सवाल मत पूछो, जो कहा जा रहा है वही करो। एक और बात, यहाँ वहाँ अकेले मत घूमना। सुना है यहाँ आत्माएं घूमती हैं। सूरज निकलने से पहले हवेली पहुंचना है। बैठो।
मुझे तो लगता है शायद इस बाबा की बेटी मरी हवेली और ये रियलिटी शो रखा है उसने यहाँ पे, जैसे कि बेटी की मौत का कोई दुख ही ना हो इसे। पता नहीं आखिर कौन है यहाँ पे और न जाने क्या क्या हो रहा है उस हवेली में। राधिका, ये सब इनकी चाल है, मैं डराने के लिए। हम दी कोई चाल वाल नहीं है, ये सचमुच की आत्मा है। राजेश वो हमें मार डालेंगे। राधिका देखो तुम बहुत घबरा गई, समझी, तुम बहुत घबरा गई। राजेश मैंने डिसाइड किया है, एक पल के लिए भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे, मुझे घर जाना है। राजेश राधिका, राधिका देखो राजेश मुझे घर जाना है बस। राधिका 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 रास्ता नहीं घर जाने का, वहां से तुम गलत जा रही हो, मैं भी वहां पर है। राजेश तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम वापस जाना चाहते हो उन आत्माओं के पास। देखो राजेश ये रास्ता कहीं तो निकलता होगा, चलो प्लीज राजेश यहाँ से चलो। राधिका तो सिर्फ पहला पड़ाव था। क्या मतलब? ये सब प्रतियोगिता का एक हिस्सा था, तुम सब लोगों को डराने के लिए। राजेश और राधिका कहाँ हैं? हाँ बताओ कहाँ है राजेश और राधिका? वो दोनों प्रतियोगी नहीं थे, उन्हें भी हमने ही रखा था। हमारा साथ बस इतना ही था। समय बर्बाद मत करो, सूरज उगने से पहले हवेली पहुंचो। यामिनी एक मिनट, दश चले। मुझे तो लगता है कि वो आत्माएं ही थी, न जाने क्या हुआ होगा राजेश और राधिका के साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। Thank you.
हवेली है यार। अगर ये हवेली मेरी हो जाए तो जिंदगी भर काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे पर अब आगे क्या करना है, यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। भाई कोई है यहाँ पे, है कोई पूछने वाला? ए भाई कोई है क्या हवेली में? हेलो, अरे कोई है? कोई बोलता क्यों नहीं? कोई है? चलो वहां देखते हैं। हर्ष, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई रियलिटी शो हो रहा है। मुझे तो लगता है कि इन सब लोगों को फंसाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार हम अंदर चले गए तो जिंदा वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए तो दुर्जय ने हमें यहाँ भेजा। अगर ये कोई ऐसा वैसा रियलिटी शो होता तो क्या वो हमें यहाँ भेजता? चलो। अरे अंदर जाने का दरवाजा होगा। अरे वो देखो, दरवाजा पे कैमरा लगा हुआ है। देखने में तो पुराने जमाने का कैमरा लगता है, लगता है सिर्फ दिखाने के लिए। मैंने तो सुना था रियलिटी शोज में कैमरा छुपे हुए होते हैं, ये तो बिल्कुल आंखों के सामने है। और वो देखो दरवाजा भी खुला पड़ा। तुमने डरावनी फिल्में नहीं देखी क्या? डरावनी फिल्मों में दरवाजे ऐसे ही खुले हुए होते हैं। अब यही बातें करते रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? अंदर चले। अंदर तो जाना ही पड़ेगा, बिना कुछ रिकॉर्ड किए हम वापस कैसे जा सकते हैं? रियलिटी शोज पे काम किया, लेकिन ऐसा अजीब रियलिटी शो मैंने आज तक नहीं देखा। 100-100 लोग होते हैं एक एक यूनिट में, पर यहां तो हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये हवेली किसी को इनाम में मिलेगी। ये पढ़े लिखे लोग भी आत्माओं पे विश्वास रखते हैं। तुझे क्या लगता है, आत्माएं नहीं होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब बकवास है। ऐसा मत बोल, किसी आत्मा ने सुन लिया ना तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहीं कोई आत्मा तो नहीं? चुप है, तो डरपोक है और मुझे भी डरा रहा है। मैं देख के आता हूं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? एक काम करते हैं, नीचे चल के देखते हैं। धीरज से काम चल, चलते हैं। अरे चल ओपन, आ जा आ जा।
जरूर कोई आत्मा हो। आत्मा वत्मा कुछ नहीं है, हवा से हिल गया होगा दरवाजा, या फिर कोई जानवर होगा शायद। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो एक काम कर, तुझे यहीं खड़ा रहो, मैं अभी देख के आता हूँ। अकेला मत, मैं देख के आता हूँ। अकेला मत जा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू यहाँ खड़ा रहो, ठीक है? मैं देख के आता हूँ। जल्दी आना, जल्दी आना। दिनेश को कुछ हुआ तो नहीं? दिनेश, 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 दिनेश किधर है? मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। देख फिर से मजाक मत करना। ए, बने खड़ा वहां पे। मजाक मत करना, मजाक मत करना। देखो कौन है। अरे कहां गया? अब वहीं पे खड़ा था। ओके गाइस, गुड नाइट। ओके चलो, बाय बाय। शुक्र है, या खाने के लिए तो कुछ मिल रहा है। हर्ष, इसका मतलब है जरूर इस हवेली में कोई तो होगा जो खाना बनाता है। हाँ यमनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, कोई तो छुपा हुआ है यहाँ पर। हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, कोई और भी है हमारे साथ। ओके बाय। ओके बाय। चलो हम भी निकले। अरे आप लोग सोने की तैयारी नहीं कर रहे? बस थोड़ी देर में जाएंगे। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। यामिनी जाओ जाके सो जाओ। पर कहाँ है? मैं और राधा बहन, तुम जाओ थोड़ी देर के लिए सो जाओ। थैंक यू। और भी चलते हैं। हाँ चल। जाके सो जाओ। नहीं यार, मैं जागता हूं तुम्हारे साथ। अपनी एनर्जी बचा के रखो, बाद में बहुत काम आएगा। तो ठीक, मैं 2 घंटे के लिए सो जाता हूं, फिर मुझे उठाकर तुम सो जाना। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट।
राघव राघव क्या हो गया ऐसे राघव राघव उठो राघव राघव उठो हर्ष राघव उठो राघव राघव पता नहीं इसे क्या हुआ राघव राघव उठो राघव ये क्या हुआ तुम्हें राघव ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया लड़की लड़की कौन सी लड़की लड़की मुझे छू कर गई हाथ बर्फ ठंडा ठंडा था जिंदा जिंदा नहीं थी जिंदा नहीं थी बचाओ हमें नहीं रहना है क्या हुआ हमें नहीं रहना है वो लड़की हमें मार डालेगी एक मेरे सपने में भी एक लड़की आई थी और जिसे मुझे छुआ था मेरे सपने में भी उसके आगे रखी हुई थी घूंघट से और मुझे भी ठीक यही सपना आया था उस लड़की ने मुझे छुआ उसने मुझे भी छुआ यहाँ पर तब से मेरा हाथ नहीं हुआ मेरा भी राघव तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है कुछ ऑटो नहीं चल रहा यार मतलब जिस जगह उस लड़की ने तुम लोगों को हाथ लगाया है वो जगह स्टोन हो गई है आगे है कौन ये लड़की और क्यों कर रही है वो हमारे साथ ऐसा जरूर ये कोई आत्मा होगी मुझे देखने दो तो पल्स इसकी नब्ज बंद हो गई नब्ज बंद हो गई ए भगवान ये नहीं हो सकता नीरज सारा बच्चा इसकी छाती पे दोबारा मार कर देखो शायद धड़कन शुरू हो जाए इसकी छाती पर वही काला निशान है और धीरज का दिल धड़कना बंद हो गया लड़की इस हवेली में किसी लड़की की आत्मा है जो सपने में आकर लोगों को छूती है और जहां पर भी वो छूती है शरीर का वो ऐसा काम करना बंद कर देता है इस तरह तो हम सो ही नहीं पाएंगे पर मैं भी तो सोई थी वो लड़की मेरे सपने में तो नहीं आई मेरे सपने में भी नहीं आई थी वो इसका मतलब है वो सिर्फ लड़कों के सपने में थी लड़कियों के यानी वो सिर्फ लड़कों के जान के पीछे है अगर हर्ष ने मुझे नहीं उठाया होता तो वो मेरी छाती को छूकर मुझे भी मार देती कोई लड़का नहीं सोएगा देखा मैंने तुझे कहा था कि इस हवेली में आत्मा है आत्मा हाँ यार मैं तेरी बात मान लेता तो ठीक होता चल कौन है कौन हो बोलते क्यों नहीं कहाँ भाग रहे हो हमें इस शो में काम नहीं करना जा रहे हैं हम चल आ जा रास्ते से रुको यहाँ लोग अपनी मर्जी से आते हैं मगर अपनी मर्जी से जाते नहीं है चल कितनी भी कोशिश कर लो जाने नहीं देगी वो तुम्हें Oh!
सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये दरवाजा तो बंद है। ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। ये दरवाजा भी बंद है। अब हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? बस लगती है कि आत्मा रोक रही है हमें बाहर जाने। इनका मतलब अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे तो मरेंगे सबके सब। कोई तो रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। पीछे आओ। चलो करेंगे। राहुल राहुल मैं सबको बुला के लाती हूँ। सबको छोड़ो, पहले हम लोग बाहर निकलते हैं। करीना संभाल के चलो, जल्दी करो। राहुल तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? पता नहीं, मैं मेरा पैर हिल ही नहीं रहा था। हिल ही नहीं रहा था? एक मिनट, करीना बाहर है। जब करीना बाहर गई थी इसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब तुम बाहर गए थे तो। हर्ष, इसका मतलब लड़कियां बाहर जा सकती हैं, लेकिन हम लड़के नहीं। अर्जुन 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 प्लीज सोना मत, सुनो सुनो, वरना वो लड़की तुम्हें मार डालेगी। प्लीज सो मत। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब आंखें खुली रखना बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, प्लीज मत सो। तुलिका का भी कोई पता नहीं, कहीं तुलिका को उसने मार तो नहीं दिया? कब तक जूझते रहेंगे हम इस हालात से? अगर किस्मत में मौत ही लिखी है तो आने दो उसको। प्लीज ऐसा मत कहो, इस तरह हार मानने से कैसे काम चलेगा? देखना हम सब लोग बच जाएंगे, है ना राहुल? राहुल राहुल जागो, राहुल जाके रहो, प्लीज सोना मत राहुल। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, प्लीज सोना मत।
यामिनी मेरी बात मान लो, तुम इन सारी लड़कियों को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना तुम सब भी बेमौत मारी जाओगी। कायर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें और राघव को इतनी बड़ी मुश्किल में अकेले छोड़ के चली जाऊँ। हर्ष, हम तीनों यहाँ साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। और हर्ष, ओ आत्मा भी तो आई नहीं है कैमरा में। लेकिन राघव, हम उस आत्मा को कैमरे में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? वो आत्मा सिर्फ सपने में दिखती है, सपने में हम कैमरे को कैसे लेकर जा सकते हैं? हर्ष, कहाँ जा रहे हो? मैं सारा को देखने जा रहा हूँ। धीरज के मरने के बाद तब से उसकी लाश के पास अकेले बैठी हुई है। ठीक है। राहुल, ये लो, जल्दी से ये कॉफी पी लो, इससे तुम्हारी नींद दूर भाग जाएगी। ये लो। नहीं करीना, मैं अब और कॉफी नहीं पी सकता और ना ही मैं ज्यादा देर जाग सकता। नहीं राहुल, प्लीज ऐसा मत बोलो। राहुल राहुल, प्लीज प्लीज सोना मत। राहुल देखो, राहुल प्लीज सोना मत, अगर तुम सो गए ना तो तुम मर जाओगे। राहुल राहुल प्लीज सोना मत। राहुल राहुल प्लीज उठो। राहुल राहुल प्लीज उठो। राहुल तक नहीं पिया तुमने कब से? नहीं पीना चाहती पानी, मर जाना चाहती हूँ मैं भी। ऐसे मत कहो सारा, हमें इस हवेली से बाहर निकलना, जिंदा। क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? क्यों किया गया रियलिटी शो का नाटक हमारे साथ? ताकि हम फंस जाएं इस हवेली में और उस आत्मा को उसका शिकार मिल जाए। बेचारे राजेश और राधिका, वो तो शायद जंगल में ही मारे गए हैं। हवेली का लालच नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? धीरज की आंखें देखो, इनकी इनकी तो आंखें हिल रही है। हाँ, जिस तरह राघव की आंखें हिल रही थी जब वो सपना दिख रहा था। मतलब धीरज शायद जिंदा हो सकता है। लेकिन इसकी नब्ज तो बंद है। फिर क्या फायदा, नब्ज बंद है फिर तो वो मर ही चुके होंगे ना। नहीं सर, कभी कभी लोगों की आत्मा उनका शरीर छोड़ के चली जाती है, पर वो जिंदा होते हैं, मरते नहीं हैं। यानी अभी भी बचा जा सकता है धीरज को? हाँ, शायद। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा,
धीरज को इस दुनिया में वापस लाने का। मतलब राहुल भी अभी मरे नहीं है, हम इन्हें बचा सकते हैं। हाँ, पर उसके लिए हमें जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करना पड़ेगा। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है, पता नहीं वो काम करेगा कि नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक ही रास्ता है। प्लान? कैसा प्लान? मैं सो जाऊंगा और जब वो आत्मा मेरे सपने में आएगी मैं उसका सामना करूंगा, लड़ूंगा मैं उस आत्मा से। क्या? नहीं हर्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ हो गया तो क्या यानी? हम हाथ पे हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना, कुछ तो करना होगा। ठीक है, लेकिन तुम अकेले नहीं जाके उस सपने, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं राघव, हम दोनों में से एक का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हर्ष, मैं अकेले जाऊंगा राघव, मैं अकेले जाऊंगा। राघव, हमें हर्ष को सोने नहीं देना चाहिए था, अब क्या होगा? यामिनी, हर्ष को कुछ नहीं होगा। जिंदगी और मौत के इस भंवर से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ही जरूर निकालेगा। तुम्हारे सपने में जो लड़की आई थी, क्या उसने घुंघरू पहन रखे थे? हाँ, जो वो मेरे सपने में आई थी, उसने घुंघरू पहन रखे थे। राघव, क्या तुम्हें याद है? उस बूढ़े आदमी ने भी आत्माओं को घुंघरू से भगाया था। हाँ, घुंघरू की आवाज सुनते ही वो सारी आत्माएं भाग गई थी। इसका मतलब उस बूढ़े आदमी का इस लड़की की आत्मा से कोई ना कोई संबंध जरूर है। कोई ना कोई संबंध तो जरूर है, हमें उस बूढ़े आदमी को ढूंढना ही होगा, तो वही हमें बता सकते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमारे साथ। मैं ढूंढ के लाऊंगी इस बूढ़े आदमी को। Thank you.
आकाश तुम भी सो गए थे क्या? हाँ, जानबूझकर सोया था। हम लोग मरे नहीं हैं, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहे हैं। इसका मतलब अभी भी हम बच सकते हैं? शायद। ये क्या बात है, क्या हुआ? आकाश बैठ। लेकिन क्यों? सवाल मत पूछो, वो आ जाएगी। तुम बैठो। वो आ जाएगी। कर रही हो यहाँ? वो मैं क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। जाओ यहाँ से। आपको मुझे जवाब देना ही होगा, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। नहीं आना चाहिए था तुम लोगों को यहाँ पर। अब अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वो औरत कौन है और हमारी जान के पीछे क्यों पड़ी है? जाओ यहाँ से। भाग जाओ? अपने दोस्तों को मुसीबत में छोड़ के मैं भाग जाऊं? अब तुम अपनी दोस्तों को बचा नहीं पाओगी। अपनी जान बचाओ और भाग जाओ यहाँ से। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊं? हम सबकी जान। जब से यहाँ पर आए, हर चंद घंटों में यही देखने को मिली। ये लड़की यहाँ के नाचती और हमें देखना पड़ता है, तालियां बजानी पड़ती है। जबरदस्ती देखना पड़ता है, अगर नहीं देखेंगे तो? ऐसे मत करना, बहुत ही खतरनाक आत्मा है। ऐसी कई खतरनाक आत्माएं देखी है मैंने। ये घुंघरू अंदर रख दो। जरूर इन घुंघरू में कुछ है। इन्हीं घुंघरुओं से आपने आत्माओं को बस में किया था ना? मौत से मत खेल लड़की। को आग में फेंक दूं तो? नहीं, ये अनर्थ मत कर। तो फिर मुझे जवाब दीजिए, वो आत्मा किसकी? मौत से मत खेल। आप मुझे सब कुछ सच सच बता रहे हैं कि मैं चारुलता? चारुलता नाम की एक नाचने वाली थी। बहुत सुंदर थी, राजकुमार का उस पर दिल आ गया और वो हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने पास रखना चाहता था। वो आत्मा उस नाचने वाले की है? एक दिन चारुलता ने महल से भागने की कोशिश की, राजकुमार ने सबके सामने उसे बदनाम किया।
ऐसा अपमान वो सह न सकी हो आत्महत्या कर ली उसने। इसीलिए वो आत्मा सबको कैद करके उनसे बदला ले रही। हाँ, जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है उसे जान से मार देती है। मेरी बेटी, मेरी बेटी की भी जान ले ली उसने। जला देने चाहिए, तब जाकर शायद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। ये चारुलता के घुंघरू नहीं है। तो फिर क्या तरीका इस मौत के खेल को रोकने का? मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहती। चारुलता के घुंघरू को पाने की कोशिश करो। वो घुंघरू जो उसने पहन रखे। रुकोगे नहीं? मैं तुम्हारा नाच नहीं देखना चाहता। नाच तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। मिला? हाँ, और उसने बताया कि ये आत्मा चारुलता की है। चारुलता? हाँ, चारुलता। वो एक नाचने वाली थी। यहाँ के मालिक ने उसे इस हवेली में कैद करके रखा था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। ओ, तभी तो वो सिर्फ लड़कों को मार रही, लड़कियों को नहीं। पर इस आत्मा को रोकने का तरीका क्या है? वो घुंघरू जो उसने पहन रखे हैं, उन्हें हमें खत्म करने होंगे, नष्ट करने होंगे उन्हें। मगर कैसे? वो घुंघरू तो उसने अपने पांव में बांध के रखे हुए हैं, और वो तो सिर्फ हमारे सपनों में आती है। फिर हम लोग उसके घुंघरू को उतारेंगे कैसे? यानी चारुलता को रोकने का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता तो है, शायद कहां आ जाए। हर्ष, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन घुंघरुओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो उन घुंघरुओं को। अगर ऐसा नहीं किया तो सबके सब मारे जाएंगे। हाँ हर्ष, सिर्फ यही एक तरीका है उस आत्मा को रोकने का। हर्ष, उससे उसके घुंघरू छीन लो। हर्ष, तो सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? उससे तेरी ये हिम्मत, घुंघरू वापस दे मेरे। नहीं दूंगा। Thank you.
घुंघरू को तो आज मैं नष्ट करके ही रहूंगा। तुम दोनों नष्ट करोगे इन घुंघरू को? मैं तुम दोनों को नष्ट कर दूंगी। राघव जल्दी तोड़ दो इसे। आखिर इस आत्मा को मुक्ति मिली गई। राहुल, मेरे राहुल, तुम ठीक हो? हाँ सारा, मैं ठीक हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र। जानते हो, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। मुझे भी ऐसा ही लगा था करीना। अगर हर्ष नहीं होता ना तो शायद हम कभी नहीं मिल पाते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये लोग तो बच गए, पर क्या हम बचेंगे दुर्जन से? ये आत्मा रिकॉर्ड ही नहीं हुई कैमरा में। रघु, तो एक काम करो, वहां से शुरू जा। आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं है। देख, तेरा पैर फंस गया जड़ों में। देख, देख, घबरा मत। अभी बस, अभी निकाल देता हूँ। चल, फावड़ा ले, चल निकलते हैं। चल, 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 चल। चल, 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 चल,
यहीं से आई हूँ। कुछ साल पहले मैं भी इन बच्चों में से एक थी, अनाथ और बेसहारा। क्या हुआ बेटा, आपको लगी? आप बड़े बच्चे हो ना, बड़े बच्चे नहीं रोते। अब ये देखो, ये देखो, ये कीड़ा। That's like a good girl. जी कहिए, किससे मिलना है आपको? आप? मेरा नाम श्रवण है। इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ओ, आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो? जिंदगी गुजर गई यहाँ काम करते करते। 20-25 साल तो आराम से गुजर गए होंगे। तो फिर तो आप यामिनी को जानते होंगे। यामिनी? ऐसी कोई बच्ची नहीं है यहाँ पे। है नहीं, थी। आज से 15 साल पहले कर्मिनी के वसुंधरा और आनंद ने उसे गोद लिया था। हाँ, एक ऐसी लड़की थी, पर आप? मैं ही हूँ वो लड़की, यामिनी। अरे बिटिया, तू इतनी बड़ी हो गई, मैं तो तुझे पहचान ही नहीं सका। पर इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? मुझे खुद कुछ याद नहीं था, पर जब मुझे पता चला कि मैं अनाथ हूँ और मेरे असली माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तब मैं यहाँ चली आई अपने जड़ों को देखने। माफ करना बेटा, पर तुम्हारे माँ बाप गुजरे नहीं थे, वो तो अपनी मर्जी से तुम्हें यहाँ छोड़ गए थे। क्या मेरे माता पिता जिंदा थे और वो मुझे यहाँ छोड़ गए? मतलब वो मुझे चाहते ही नहीं थे, बोझ थी मैं उन पर। ऐसा मत कहो बेटी, जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। कोई भी मजबूरी बेटी से बढ़कर तो नहीं होती ना। पर अगर मेरे माता पिता जिंदा थे तो आपने मुझे अनाथालय में रखा ही क्यों? बेटी, पैसों की सख्त जरूरत थी मुझे उस वक्त, इसलिए। मतलब चंद पैसों के लिए आपने मुझसे मेरा बचपन छीन लिया? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, तुम्हें तो एक बहुत अच्छा परिवार मिला है। आपके पास एड्रेस है मेरे असली घर का? क्या हुआ, फोन क्यों किया तुमने? जी, वो आप घर कब तक आएंगे? क्यों आऊंगा, तो आरती उतारोगी मेरी? नहीं, बहुत देर हो गई है ना। रात के 3 बज रहे हैं तो? अरे 3 तो रोज ही बजते हैं। तो मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं क्या करूं? सुनिए, आपने आज फिर पी ली है क्या? क्या तू मुझसे सवाल कर रही है कि मैंने पी रखी?
कल का सबक तुझको लगता है भूल गया। एक बार मुझे घर आने दे, फिर तुझे समझाता हूँ। तुझे किसने बोला था फोन करने के लिए? मुझे तेरी वजह से मैं गलत जगह आ गया। ये क्या हो क्या रहा है? ये किया था अचानक। हेलो, क्या हुआ? कौन सी जगह पे बुला दिया दुर्जन ने हमें? इंस्टीट्यूट में ऐसी भी कोई जगह है? मुझे तो नहीं पता था। दुर्जन और इस इंस्टीट्यूट के ऐसे कई राज हैं जिनके बारे में हमें जानना है। ये किसके चीखने की आवाज थी? एक आत्मा की चीख है। लेकिन ये आत्माएं चीखती क्यों है यहां पर? ऐसा क्या करते हैं आप इन आत्माओं के साथ? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत पड़ी? अपने काम पर ध्यान दो, आत्मा को रिकॉर्ड करो टेपे। मुझे जानना है, हम लोग काम करते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए, हमें ये जानने का पूरा हक है कि आप लोग करते क्या आत्माओं के शॉर्टकट। समझाओ इसे, चादर के बाहर पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है ये। लूसी फरेलो को पता चल गया तो पैर ही नहीं रहेंगे। पर राघव बताइए, इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं, जैस्मिन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? ये जैस्मिन कौन है? रोज पार्क सोसाइटी, फ्लैट नंबर 113 में रहती है वो। जाओ मिलकर आओ उसे। यामिनी को भी लेके जाना साथ में है कहाँ वो? रात को कौन आया होगा?
कौन? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। यामिनी, विजय और शकुंतला की बेटी यामिनी। बेटा, माँ, नहीं, मैं तेरी मौसी, दमयंती। मौसी? मौसी मम्मी पापा का है? मम्मी, मम्मी, पापा, मम्मी। यामिनी बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हें इतना प्यार करते थे, तभी तो अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें वहां भेजा, तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई? तुझे तेरी जुड़वा बहन मल्लिका से बचाने के लिए। बचाने के लिए? हाँ, पापी है वो, घोर पापी। इस कलयुग के हर एक अवगुण उसपे कूट कूट के भरे हैं। फिर ऐसा क्या कर दिया मेरी बहन ने? 14 साल की उम्र में उसने अपने ही माँ बाप का खून कर दिया, अपने ही हाथों से। क्या? अपने ही हाथों से अपने ही माँ बाप का खून कर दिया उसने? हाँ, तभी तो बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें उससे दूर कर दिया था। तुम्हें अकेला पाके वो घंटों तक मारती रहती थी, और एक दिन तो उसने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की थी। इसीलिए उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया मल्लिका से दूर करने के लिए। हेलो, हाँ राघव, ठीक है। मौसी, मुझे जाना होगा, आप अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल रखना बेटी। झाड़ियों में लाश पड़ी मिली इसकी। मुझे तो लगता है ये काम जरूर किसी बुरी आत्मा ने किया है। बुरी आत्मा? मैंने फोन पर चीखे सुनी थी उसकी, इतनी दर्दनाक भयानक चीखे। तरह से अच्छा ही हो गया, तुम्हें छुटकारा मिल गया उससे। पिछले 2 हफ्तों में ये 4थी मौत है। अगर इसी तरह मौत का सिलसिला चलता रहा तो इस कब्रिस्तान में जगह कम पड़ेगी। अरे,
आसमान कैसा चल रही हवाएं, लगता है वही आत्मा है। अचानक ही हवाएं कैसे चल रही हैं, इतनी तेज हवा, वो भी कब्रिस्तान में, लगता है ये कोई आत्मा है। अरे हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो चलो भागो यहाँ से, अरे सब लोग भागो भागो भागो, यहाँ से निकल जाओ, अरे अरे निकल जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ, सब लोग निकल जाओ। सुनी तुम लोगों ने, ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर घिस गया बिल्डिंग में। कहिए। जासमीन जी यहीं पे रहती है? हाँ, पर वो प्लीज जरा उन्हें बुला दीजिए, हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। और आपने आने में बहुत देर कर दी। क्यों, वो कहीं चली गई है क्या? बहुत दूर। दूर कहाँ? वो मम्मी, मम्मी की डेथ हो गई 2 हफ्ता पहले। क्या जैस्मिन जी मर चुकी है? ये आवाज सुनी आपने? नहीं नहीं। तुमने सुनी? नहीं नहीं। तो घर में आप दोनों ही हैं? बस अब तो हम दोनों ही हैं इस घर में। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है, दुर्जन ने तो कहा था हमसे कि दुर्जन कौन? दुर्जन? और दुर्जन को मेरे वाइफ से क्या काम हो सकता है? वो सब हम आपको नहीं बता सकते। जैस्मिन के डेथ के बाद आप दोनों ही हैं ना इस घर में? हाँ, क्यों? यहाँ पे कोई लेडी नहीं रहती है ना? नहीं। तो फिर ये साड़ी किसकी है? वो हाँ, वो गिफ्ट देनी है किसी को, गिफ्ट। अच्छा अच्छा, गिफ्ट देनी है। मिक्सर की आवाज? आप तो कह रहे थे कि घर में और कोई नहीं। अरे अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? यहाँ पे तो कोई भी नहीं। मैं कह रहा था ना आपसे, यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई नहीं है यहाँ पे, तो ये मिक्सर कौन चला रहा था? मिक्सर कोई नहीं चला रहा था, आप लोगों के कान बज रहे हैं। मतलब कि आपने मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं नहीं सुनी। बेटे, आपने भी मिक्सर की आवाज नहीं सुनी? नहीं नहीं, इसने भी नहीं सुनी। जा बेटा, जा बस, जाओ अभी, आप लोग जाइए जाइए प्लीज। से उसी मिक्सर किया, बस बहुत हो चुका। आप होते कौन है मेरे घर में इस तरह घुसने वाले? आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना पुलिस को बुलाऊंगा मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, हम जा रहे हैं यहाँ से। तो जाओ। चलो राघव।
थैंक यू जारू, जो तुम यहाँ तक मेरे साथ आए। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। शो बाय, टेक केयर। फिर से चले जैस्मिन के घर पे। एक बार पड़ोसियों से भी पूछ लेते हैं, शायद उन्हें कुछ पता होगा जैस्मिन के बारे में। लगता है घर पे कोई नहीं। क्या है? हमें आपसे कुछ बात करनी है। जी नमस्ते, कुछ पूछना था आपसे। मैं तुम्हें नहीं जानती। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमारी बात तो सुन लीजिए। नहीं बहू, पूरी बात तो सुन लो उनकी। आप देखे, ये मेरा ही घर है। आपके सामने वाले फ्लैट में जो फैमिली रहती है उनके बारे में पूछने आए हैं हम। क्या पूछना है? देखो जो भी पूछना है जल्दी पूछो और जाओ यहाँ से। उस फ्लैट में जैस्मिन नाम की एक औरत रहती है अपने पति और अपने बेटे के साथ। हम उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। जैस्मिन? वो तो मर चुकी। पर हमें तो यहाँ भेजा था किसी ने जैस्मिन से मिलने के लिए। क्या आपको पूरा यकीन है कि जैस्मिन मर चुकी? मौत हो चुकी है उसकी। मौत,
मतलब अब उस घर में कोई नहीं रहता जैस्मिन के पति और बेटे के अलावा? मेरी डॉल दो। एक औरत रहती तो है वहां, शायद वही जैस्मिन हो। कपड़े किसने बदले? तुम्हारे लिए कितना काम कर रहा हूं, तुम्हारे कपड़े भी मैंने बदले। तुमने? हाँ। तुम तो ऐसे ही सोने चली गई थी, ऐसे। ये लो, दवाई खा लो। तुमने आज दवाई नहीं खाई। ताला लगा हुआ। ये लोग अचानक चले कहां गए? जो कुछ भी है ताला तो तोड़ना ही पड़ेगा। पर इस तरह किसी के घर में घुसना ठीक होगा? यामिनी पता तो करना ही पड़ेगा कि आखिर जैस्मिन जिंदा है या मुर्दा। मुझे तो लगता है जैस्मिन जिंदा है। अगर मरी हुई होती तो दुर्जन क्यों भेजता हमें उससे मिलने के लिए? दुर्जन को समझना इतना आसान नहीं है। उसके दिमाग में कब क्या चल रहा है कोई पता नहीं लगा सकता। उसी जानवर की आवाज, वो दिखता क्यों नहीं है?
नहीं है। पर हम अंदर जाएंगे कैसे? यामी, तुम्हारे बालों की पिन देना, चाहे दूसरा दरवाजा खोल दो। ये सब क्या है? क्या हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो वही है, बस हुलिया बदल गया है। इस घर में तो कोई भी नहीं, ना जैस्मिन का पति ना उसका बेटा। अचानक दोनों गए कहां? अचानक ये घर की हालत देखिए तुम लोगों, ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। फिर आ रहा हूँ। ये कोई आम आवाज नहीं है, जरूर ये कोई आत्मा है। सुबह जब हम यहाँ आए थे तब घर की हालत ऐसी नहीं थी। क्या वो हमारा भ्रम था कि ये हमारा भ्रम है? ना तो ये हमारा भ्रम है और ना ही वो हमारा भ्रम था। इन सब चीजों का कुछ तो संबंध है दूसरी दुनिया के साथ। बताइए इस बार कौन सी आत्मा की शूटिंग करनी है हमें? इस बार किसकी शूटिंग करनी है ये मैं नहीं जैस्मिन बताएगी तुम्हें। जैस्मिन? वो तो मर चुकी। क्या हम कोई गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो वही है, बस हुलिया बदल गया है। इस घर में तो कोई भी नहीं, ना जैस्मिन का पति ना उसका बेटा। अचानक दोनों गए कहां? अचानक ये घर की हालत देखिए तुम लोगों, ऐसी हालत देखकर तो लग रहा है कि कई दिनों से यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। फिर आ रहा हूँ। ये कोई आम आवाज नहीं है, जरूर ये कोई आत्मा है। सुबह जब हम यहाँ आए थे तब घर की हालत ऐसी नहीं थी। क्या वो हमारा भ्रम था कि ये हमारा भ्रम है? ना तो ये हमारा भ्रम है और ना ही वो हमारा भ्रम था। इन सब चीजों का कुछ तो संबंध है दूसरी दुनिया के साथ। मैं नहीं बचा सकती रॉकी। मैंने कहा बचाओ बचाओ।
पियानो बजाओ मतलब बजाओ। रॉकी नहीं, प्लीज रॉकी, रॉकी बस, रॉकी, रॉकी, रॉकी बस करो। मम्मी, मम्मी आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बेटा, वो पापा? नहीं, बेटा। चुप। तुमने कहाँ चले गए थे तुम? वो मासी के घर। ओह, जानते हो बेटा, पापा ने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। पापा, ये क्या हो गया आपको? कुछ नहीं बेटा, आपकी मम्मी हमें छोड़ के जा रही थी, इसलिए पापा बीमार हो गए। मम्मी आप कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, अब हम तीनों साथ रहेंगे। पापा, स्वीटी और मामा, है ना मामा? और नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं बनना इस मनुज सोसाइटी का सेक्रेटरी। एक्सक्यूज मी, क्या बात है जी? वो हमें आपसे यहाँ रहने आए हो? मेरी बात मानो तो कहीं और फ्लैट ले लो, ये जगह रहने लायक नहीं है। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। रहने लायक नहीं है मतलब? मनहूस है जगह ये, मनहूस। पिछले कई हफ्तों से मौतें ही मौतें हो रही है सोसाइटी में, पता नहीं किसका बुरा साया पड़ गया है। मौतें हो रही, यानी कि जैस्मिन भी? बेचारी वो भी मर गई, बहुत ही भली औरत थी। आपको पूरा यकीन है कि जैस्मिन भी मर चुकी? पूरा यकीन है? अच्छी, मैं उसके अंतिम संस्कार में भी गया था। और जैस्मिन का पति और बेटा दोनों अचानक फ्लैट छोड़ के कहाँ चले गए? वो शायद भाग गए होंगे इस जगह की मनहूसियत से बचने के लिए। आप लोग भी भाग जाओ, जाओ। देखिए, पहले हमें जैस्मिन के बारे में बताइए। कोई कहते हैं कि वो मर गई, कोई कहते हैं वो अभी भी है, ये चक्कर क्या है? किसने कह दिया तुमसे कि जैस्मिन अभी भी इस दुनिया में है? जैस्मिन के पड़ोसी मिस्टर केके ने। किसने? जरा दोबारा कहना। मिस्टर केके? क्योंकि उन्होंने कब कही थी तुमसे ये बात? कल दोपहर को। कल दोपहर को? जी हाँ। उन्होंने ये खुद कहा था तुमसे? हाँ, पर बात क्या है? वो देखिए दीवार पर। ये क्या? ये तो मिस्टर केके है। हाँ मिस्टर केके, 3 दिन पहले इनकी मौत हो चुकी है, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने कल दोपहर को इनसे बात की थी। अगर मिस्टर केके मर गए तो वो कौन था? अक्कर, बक्कर, बम्बे, बो, अस्सी, नब्बे, नब्बे, पूरे, सौ, सौ से निकला काटा, चोर निकल के भागा। अब हम दोनों टिप टिप टिप, अक्कर बक्कर बम। दादाजी दादाजी, आपसे एक बात पूछूं? जो, दो बात पूछो। दादाजी आप तो मर गए थे ना, फिर वापस कैसे आ गए? दादाजी को तुम लोगों की बहुत याद है, बहुत। बस दादाजी वापस आ गए। दादाजी क्या मरने के बाद ये लोग वापस आ सकते हैं? हाँ, एक बात बताओ बच्चों, तुम लोग अपने दादाजी को छोड़ के कभी जाओगे तो नहीं ना? नहीं दादाजी, हम कभी नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों, बस बहुत हो गया, और कब तक घुट घुट के जिएंगे हम इस डर के साए में? तो तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
इस बारे में कोई कर ही क्या सकता? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मत करो, पर मैं बच्चों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। बस कहाँ जा रही हूँ? कहीं भी चली जाऊंगी, पर अब अपने बच्चों को इस मौत के साए में और नहीं रहने दूंगी मैं। देखो देखो डैडी के पास मत जाना तुम। मैं जा रही हूँ। सुनो, चलो बच्चों, हम नानी के घर जा रहे हैं। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कहा ना, चलो हम नानी के घर जा रहे हैं। बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। बच्चों आओ मेरे साथ, आ जाओ, चलो चलो। अब इस घर में या तो आप रहेंगे या हम। सुना आपने? बच्चों को ले जाएगी? हाँ, बच्चों को लेकर जाएगी। ये क्या, यहाँ पे तो ताला लगा। ये मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि लोग भाग रहे हैं ये सोसाइटी छोड़कर। केके के परिवार वाले भी चले गए होंगे। कल ही तो बात हुई इनसे हमारी। क्या मुसीबत है? कभी मरे हुए केके से तुम्हारी बात होती है, कभी तुम लोग कहते हो कि मरी हुई जासमीन इस फ्लैट में रहती है। देखिए ये मजाक की बात नहीं, अगर 3 दिन पहले केके की मौत हुई तो फिर जिससे हमने कल बात की थी या तो वो केके की आत्मा थी या फिर शायद केके खुद चलकर वापस आए अपनी मौत के बाद। जिस तरह वो अपनी पोता पोती से बात कर रहे थे, आत्मा नहीं हो सकती है, जिंदा लाश बनके लौटे हैं वो। और लगता है जैस्मिन भी जिंदा लाश बनकर वापस आ गई है। किचन में मिक्सी वही चला रही होगी। अगर जैस्मिन और केके लौट के वापस आए हैं तो फिर और भी मुर्दे आए होंगे अपने अपने घर पे। ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपको जिंदा लाशें ढूंढिए तो ढूंढिए, मैं चला। जाने से पहले इतना तो बता दीजिए कि इस सोसाइटी में और किस किस की मौत हुई? रॉकी और इवा की। रॉकी और इवा। रॉकी के घर चलते हैं। अगर रॉकी भी जिंदा लाश बन के वापस लौटा है तो शायद हम अपने कैमरे में उसे पकड़ सकते हैं। चलो बस पापा, मैं और नहीं खा सकती। खा लो बेटा, लोग खाना नहीं खाते तो मर जाते हैं। मर जाते हैं और मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद वो वापस आते हैं और अपने परिवार वालों को डराते हैं। स्वीटी बेटा आप जाओ, हाथ धो लो, हाँ, जबरदस्ती खाना मत खाओ। जी कहिए, आप लोग कौन हैं? हाय, क्या हम रॉकी से मिल सकते हैं? रॉकी से? देखिए शायद आप लोगों को पता नहीं है लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ओह, और आप? मैं उनकी वाइफ लीना। तो अब क्या आप अकेली रहती है आपके पति के मौत के बाद? जी, सिर्फ मैं और मेरी बेटी। अभी अभी तो आप कह रही थी कि आप और आपकी बेटी यहाँ पर अकेली रहती है, फिर वो कौन है? वो मेरे भाई हैं, कल ही आए। ये इनके चेहरे को क्या हुआ? इन्हें
इन्हें स्किन की बीमारी हुई। देखिए अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, इन्हें परेशान मत कीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, क्या आपने रॉकी को दोबारा देखा है उसकी मौत के बाद? ये कैसा सवाल है? मतलब कोई मरने के बाद देख सकता है किसी को? इस सोसाइटी में शायद कुछ ऐसा ही हो रहा है लीना जी, मरने के बाद लोग घर वापस आ रहे हैं। तो जहां हो रहा है वहीं जाकर अपने सवाल कीजिए ना, यहाँ क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? पापा चलो ना, मेरा होमवर्क करवाओ। तुम चलो, मैं आता हूँ। पापा पर आपने तो कहा था कि वो आपके भाई है। देखिए मुझे अब आप लोगों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना, अब चलिए यहां से, चलिए प्लीज। कहीं वो रॉकी तो नहीं था? जरूर वो रॉकी है, इनकी बीमारी इतनी भयानक नहीं हुई। और घर में से इतनी बदबू आ रही थी जैसे कि कोई लाश कई दिनों से वहां पड़ी। पता नहीं ये घर वाले रह कैसे पा रहे इन मरे हुए लोगों के साथ। आज देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है। हाँ। इसे पकड़ो। स्पाइक है। वो रिकॉर्ड ही नहीं है। इसका मतलब कि वो रॉकी थी। हाँ। अगर केके जैस्मिन और रॉकी मरने के बाद वापस आ सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ईवा भी जरूर वापस आई होगी। ये तुम क्या कह रही हो ईवा? देखो जरा समझने की कोशिश करो, हैं? तुम मर चुकी हो, तुम्हारी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है, तुम प्लीज अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। वापस चली जाओ? हाँ, तुम्हें अपने साथ में बदल शादी के वक्त बहुत बड़ी बड़ी कसमें खाई थी साथ में जीने मरने की। अब क्या हुआ, क्या हुआ? मैं आऊंगा तुम्हारे पास, मरने के बाद दोनों साथ रहेंगे, लेकिन अभी मेरी मौत नहीं हुई है ना। ठीक है, तुम्हारी मौत आने तक मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। ये ना मुझे, तुम प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तेरे जैसे आदमी के साथ शादी की मैंने? मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ। तूने अपनी शक्ल देखी है शीशे में? हाँ। मुझे देख, मुझे देख, मैं कितनी सुंदर हूँ।
देख मुझे। मुझे तुम्हारी सुंदरता नहीं चाहिए, मेरा पीछा छोड़ दो मेरा पीछा। किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है? जो भी हम दोनों के बीच में आएगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। से प्यार करती थी इसलिए उसे अपने साथ ले जाने आई, पर वो मुझसे प्यार नहीं करता था। खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ, खेलता रहा मेरी जिंदगी के साथ। मतलब ये लोग इसलिए वापस आए हैं ताकि अपने साथ अपने घर वालों को भी ले जाएं मौत की दुनिया में। इसका मतलब है कि जैस्मिन और केके के घर वाले घर छोड़कर नहीं गए, जैस्मिन और केके उन्हें लेकर गए अपने साथ किसी दूसरी दुनिया में। फिर तो रॉकी भी कोशिश करेगा अपनी बेटी और अपनी बीवी को अपने साथ ले जाने की। तुम नहीं चलती तो ना चला, स्वीटी मेरे साथ जाएगी। नहीं, मैं रॉकी, प्लीज मम्मी। पापा तुम्हें अच्छी जगह ले जाएंगे। मम्मी, स्वीटी, रॉकी, प्लीज। स्वीटी चलो। नहीं, स्वीटी चलो। स्वीटी चलो। स्वीटी, बेटा। मुझे बचाओ। यमी, इसे यहाँ से लेकर चलो। हम देखते हैं। चल। जिंदगी में दखल देकर अच्छा नहीं किया। जिंदगी, जिंदगी तो उसकी होती जो जिंदा है, तुम तो मर चुके हो। और यहां जिंदा लोगों के बीच तुम्हारा कोई काम नहीं। तो तू भी मर। Oh!
को यहाँ नहीं आना चाहिए था। आप सब भी मारे जाएंगे। जिस तरह से मारा, ये कोई आत्मा नहीं है बल्कि ये शरीर है, एक मुर्दा शरीर। लेकिन शायद इसे खत्म किया जा सकता है। मगर कैसे? ऐसे। लॉकी! राघव उठो। राघव, ये क्या हो गया? यम पानी लेकर आओ। राघव जल्दी, राघव राघव राघव। चल उठो। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं राघव। मैं ठीक हूँ। अगर आप लोग सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो आज ये मेरी बच्ची को मुझसे जरूर छीन लेता। पर आखिर ये हो क्या रहा है? रॉकी, केके, ईवा, जैस्मिन, ये सब मरने के बाद वापस कैसे आ रहे हैं? पता नहीं, मगर इन चारों को कब्रिस्तान की किसी नई जगह पर गाड़ा गया था। नई जगह पे? हाँ, मतलब कहीं कब्रिस्तान की इस नई जगह में तो कोई गड़बड़ नहीं? चलो वहीं चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, मेरी बात सुनिए, आप लोग वहां मत जाइए। चलो। अरे मम्मी, लगता है यही है वो कब्रिस्तान का नया हिस्सा। इसकी शूटिंग करो, शायद उन मुर्दों को जिंदा करने वाली शक्ति हम अपने कैमरे में पकड़ लें। रिकॉर्ड तो मेरे इस कैमरा में भी नहीं। इसका मतलब कि इस मिट्टी में कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब कुछ कर रही है। मतलब वो लोग इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उन्हें इस मिट्टी में गाड़ा गया था। हाँ, शायद ईवा, जैस्मिन, रॉकी और केके, इन सब की कब्रें इस मिट्टी में। पर मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कब्रिस्तान में ये मिट्टी आई कहां से? पुराने कब्रिस्तान से। पुराने कब्रिस्तान से? हाँ, वहां के मुर्दों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनकी कब्रों से मिट्टी चुरा कर यहां डाली गई है, इसीलिए वो लोग बदला ले रहे हैं। बदला यानी कि जिसे भी इस मिट्टी में दफनाया जाएगा वो जिंदा हो जाएगा? अचानक तूफान कैसे आ गया? क्या है, आ गया? आ गया? कौन आ गया? इस मिट्टी का मालिक, इस मिट्टी का रखवाला, इस मिट्टी से बाहर निकल जाओ, वो सबको मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा, मार डालेगा, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ।
हमें सोसाइटी वालों को बता देना चाहिए कि आइंदा किसी की बिलाश को उस मिट्टी में ना दफनाए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।